हिंदुस्तान के डायरेक्टर यहाँ पे हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी और मेरे प्यारे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और वोट ऑफ थैंक्स है कि आपने मुझे यहाँ पे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है और मुझे मौका मिल रहा है कि आप लोग को मैं मोटिवेट कर सकूँ। एक टाइम था जब मैं अभी इस भीड़ में बैठी रहती और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। ये फासला बहुत ज्यादा दूर ही दिखाई देता है और काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली। तो मैं एक इंटरैक्टिव सेशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के लिए क्या क्या एम्बिशन सेट करके रखा है। मैम वन नेता बनेगा क्योंकि राजतंत्र नहीं है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में मजबूत लोगों को आना जरूरी है। किस प्रकार का क्योंकि शिक्षित हो इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छे लोग क्योंकि राजतंत्र नहीं है प्रजातंत्र। और पढ़े लिखे लोग आएंगे जाति धर्म से ऊपर आएंगे तो हमारा समाज के अंदर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम उसी दृष्टि से होगा। सबको मौका देते हैं कोई भी आप देखिएगा हमें पढ़ा लिखा हो मैट्रिक इंटरव्यू से बात करके देखिए वो कहता है कि हमको एक बार मौका मिला था हमें भी मौका मिला है। हर आदमी को मौका मिलता है लेकिन वो चुप जाता है। इसलिए ऐसा कीजिए कि आप उस मौका को छोड़िए। सर ने शादी ब्याह के बारे में कुछ चर्चा कर दिए पढ़ाई लिखा को उस कर रहे हमारे शिक्षक साथी सरोज जी हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए सीओ मैडम हमारे बीच इस कोचिंग के डायरेक्टर रूपी जी इस पंचायत के पूर्व सरपंच भाई उपेंद्र जी उपस्थित अनेक शिक्षक भाई जिनका नाम हम नहीं जान पा रहे जिसने अपने शिक्षक को मिठाई खिलाने के लिए आते हैं लेकिन आज शिक्षक बच्चे के घर पहुंच जाते हैं मिठाई खिलाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए। देख लो समाज कहां जा रहा है। इसमें क्या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है? आपको तो मैं आपके घर आऊँ मिठाई लेकर उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि आपकी बढ़ रही है? उसमें तो आपकी प्रतिष्ठा गिर रही है। जिन्होंने आपको अपने खून पसीना से सींच करके ऐसा बनाया वो आपके घर आए आपको मिठाई खिलाई जाए। अरे कम से कम आपको तो खुशी होनी चाहिए कि जिसने अपने खून पसीना से सींच करके आपको इतना कुछ दिया और आपके रिजल्ट आए उनके पास आपको जाना ही चाहिए। आज ग्रुप में आपके क्लास में बहुत कम छात्र होंगे अगर 11th 12th और 10th की चर्चा करें रिजल्ट की तो बहुत कम छात्र होंगे तो 200 से कम नहीं होंगे जिनका रिजल्ट आ रहा है। आप काउंट करके देखिए। यस सर। लेकिन यहाँ 200 दिखाई दे रहे हैं उन्हें किस कार्य को करने में आनंद आ रहा है इसके कभी केयर नहीं किए कि वो जो उनके द्वारा सोचा हुआ या किए जाने वाला या किया जा रहा कार्य है वह नेगेटिव पथ की ओर है या पॉजिटिव पथ की ओर है। हमें मेहनत करना है लेकिन